दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, रीट का हो, चाहे किसी एजुकेशन फील्ड का हो, लेकिन आपको मनोविज्ञान और इसके संबंधित सवाल सारे सारे जो है एग्जाम में आते हैं। एक चीज बताऊं मैं आपको कि कोई भी भाषा आप पढ़ोगे या कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो होगा क्या कि उसकी अपनी एक अलग टर्मिनोलॉजी होगी, उसका एक अपना शब्दकोश होगा। उस शब्दकोश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर वो शब्द या उनके अर्थ या उनकी उत्पत्ति के बारे में आपको पता नहीं है तो वो चीज ही आपको समझ में नहीं आएगी, एक चीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के अर्थ और ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, ये सवाल भी सीधे सीधे पूछते हैं। यानी कि एक एक शब्द के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो चार चार पांच पांच सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने क्या किया है कि इन विशेष शब्दों की एक टेबल बनाई है और इस टेबल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक टेबल का पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ का जो है प्रिंट लें और आराम से इसको अपने गुनगुनाते हुए, देखते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, जैसे चाहे वैसे इसको पढ़ें, क्योंकि इस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये शब्द कहां से तो लिए गए, यानी कि व्युत्पत्ति कहां से है, ये किस भाषा के शब्द हैं और इनका अर्थ क्या है। देखो इस टेबल में एक चीज विशेष मैं आपको बता दूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको पता है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो आपको पता है वो उत्तर उसका नहीं है। इसलिए टेबल को गौर से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। जैसे एक शब्द है इंटरेस्ट, आप सोचेंगे इंटरेस्ट मतलब तो रुचि होता है, ठीक है, लेकिन यहां उसका अर्थ रुचि नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में आपको ऑप्शन रुचि भी मिलेगा, अभिरुचि भी मिलेगा, आपने दोनों टिक कर दी तो आपका उत्तर गलत होगा। आप घर आएंगे उछलते कूदते, देखो मेरा क्वेश्चन सही हो गया और उसमें नंबर मिलेगा 0। तो इसलिए इन वीडियोस को पूरा देखें। जो भी मैं टेबल बनाता हूं वो काफी मेहनत से बनाई जाती है, क्योंकि टेबल के लिए पूरा स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। आप इस टेबल को गौर से देखें, लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल पर उसको आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने सुविधा आपको यहाँ दे दी है। तो दोस्तों इस टेबल को समझने के लिए मेरे साथ चलिए क्लासरूम की तरफ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एग्जाम कोई सा भी हो, मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां या शिक्षा के सिद्धांत ये सब चीज आती है, लेकिन इन सबको समझने से पहले क्या होता है कि उसमें विशेष हर कोई भी भाषा हो, कोई भी टॉपिक हो, उसकी क्या होती है कि अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक। अब जब तक हम उस टर्मिनोलॉजी को यानी कि उसके शब्दों को नहीं समझ लेंगे ना, तो तब तक वो टॉपिक समझ में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये विशेष टेबल बनाई है, इसका लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ हो सकता है समझ में नहीं आए क्योंकि बोर्ड में जगह कम होती है और थोड़ा मुझे लिखने की आदत भी कम है, तो लेकिन मैंने इसकी टेबल बना के शानदार एक पीडीएफ बना करके मैंने डाल दी है ना, वो भी अपना चैनल है और इस पे आप ये लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। तो अपन बात करेंगे विशेष शब्दों पे। पहला शब्द अपन देखते हैं साइकोलॉजी, दूसरा अपन देखते हैं एजुकेशन, फिर अपन देखते हैं शिक्षा, फिर अपन देखेंगे एडोलेसेंस, फिर अपन देखेंगे पर्सनैलिटी, फिर अपन देखेंगे हैबिट, फिर अपन देखेंगे इंटरेस्ट और फिर अपन देखेंगे मोटिवेशन। ये वो शब्द हैं जो आपके सामने बार बार आएंगे। जब तक अपने को इनका अर्थ नहीं पता होगा तब तक हमें समझ नहीं पाएंगे। तो ये अर्थ को ही अपने को समझना है। देखो पहला है साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहां से हुई। तो ये जो कॉलम है ना, ये वाला, इसमें उत्पत्ति है। ये जो कॉलम है ये बताता है आपको कि ये शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, हर लाइन में दो दो तीन तीन सवाल हैं। आप जो एग्जाम दोगे 11 तारीख को पता लग जाएगा आपको कितने सवाल आ गए, ठीक। लास्ट में इनका अर्थ है, ठीक। तो पहला शब्द है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ सब जानते हैं, मनोविज्ञान से संबंधित है। अपन कहते हैं यार साइको है क्या, पागल है क्या, यानी उसका मनोविज्ञान इस तरह का है कि वो अजीब से हरकतें करता है। तो यहां साइकोलॉजी का अर्थ है जो उत्पत्ति वो कहां से बनी है, साइको और लोगस नाम के दो शब्दों से बनी है। जब साइको और लोगस को मिलाया तो शब्द बना साइकोलॉजी। तो साइको को हिंदी में कहेंगे आत्मा, लोगस को कहेंगे विज्ञान। तो इसका अर्थ बनेगा कि साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। ये देखो यह लिखा हुआ है, ठीक। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, आत्मा का विज्ञान, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी को समझ लेना, साइको किससे मिलकर बना है, साइको और लोगस से, या यूं भी आ सकता है कि साइकोलॉजी किससे मिलकर बना है, आत्मा और विज्ञान से। इसका अर्थ क्या है, आत्मा का विज्ञान। ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो देखो आपके एक दो तीन और चार सवाल बन गए पहली लाइन में। अब अगली देखेंगे हम एजुकेशन। एजुकेशन जो शब्द है
इसकी उत्पत्ति एडुकेयर से मिलकर हुई है ना, एडुकेयर, इसकी उत्पत्ति हुई है एडुकेयर, और ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का ही शब्द है ना। एडुकेयर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, अधिकांश शब्द लैटिन भाषा के ही हैं, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? उठाना या शिक्षित करना। तो एजुकेशन का मतलब वैसे भी बन जानते हैं कि शिक्षित करना होता है, लेकिन इसका एक अर्थ और है उठाना। तो एजुकेशन किससे बना हुआ है? एडुकेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरा हम देखेंगे शिक्षा, ये प्योर संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है। तो ये संस्कृत की शिक्ष धातु, ये चिन्ह जो है धातु, धातु का चिन्ह है, संस्कृत वाले जानते होंगे। तो ये जो है शिक्षा, ये शिक्ष धातु से बना हुआ है और संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो इसका मतलब, शिक्षा का मतलब शिक्षा ही ज्ञान प्राप्ति है, ठीक है, इसलिए इसका यहां नहीं लिखा है, क्योंकि शिक्षा का मतलब व्यापक होता है। अब अगला शब्द है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को दूसरी भाषा में अपन कहेंगे, दूसरे इसके अर्थ जो है वो होगा किशोर अवस्था। एडोलेसेंस और किशोर अवस्था एक ही है, और एडोलेसेंस जो शब्द है वो मिलकर बना है एडोलेशियर से, और ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है वृद्धि, है ना, यानी कि बढ़ना। तो एडोलेसेंस किससे बना हुआ है? एडोलेशियर से। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? एडोलेशियर से। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है वृद्धि। तो किशोर अवस्था भी एडोलेशियर से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है वृद्धि होना। तो अब सवाल आ जाए मान लो घुमा के कि किशोर अवस्था का अर्थ बताइए, तो आप उम्र में या उसके उम्र के नंबरों में उस जाल में तो लग जाना, सीधे सीधे बताना ही वृद्धि है ना। अच्छा, अब देखेंगे पर्सनैलिटी। अपन कई बार कहते हैं यार क्या पर्सनैलिटी है, तो उसमें कद काठी लंबाई चौड़ाई गोरा कालापन ये सब देखते हैं, तो लेकिन यहां इसका अर्थ अलग है। पर्सनैलिटी शब्द बना है, एक विशेष शब्द है परसोना, ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। तो लैटिन भाषा के परसोना से मिलकर जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है पर्सनैलिटी की। इसका मतलब होता है कि नाटकीय पोशाक या मुखौटा। प्राचीन काल में मनोरंजन का साधन केवल नाटक ही हुआ करते, तो उसमें क्या होता था, विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाकर वहां वो अपनी अपने पात्रों को अदा करते थे, तो उसको कहते थे पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी शब्द परसोना से बना है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है नाटकीय पोशाक या मुखौटा, ठीक है ना, मास्क, ठीक। अच्छा, अब हैबिट। हैबिट यानी आदत, आपको पता है हैबिट्स से बना है ये। इस हैबिट की उत्पत्ति हैबिट्स से हुई है, ठीक है ना, और ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। अब इसका अर्थ क्या है? हैबिट का अर्थ अपन लेते हैं आदत से। देखो आदत अलग है, अपन मनोविज्ञान देख रहे हैं तो उसी हिसाब से देखना है। हैबिट का मतलब अपनी आदत नहीं है, हैबिट का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ये ध्यान रखना, अब अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिट, तो आप उसको उत्तर लगाएंगे प्राप्त करना, टू गेट, है ना, प्राप्त करना, ठीक है। तो हैबिट शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हैबिट्स से हुई है और ये भाषा जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है प्राप्त करना। यहाँ हैबिट्स बहुवचन नहीं है, हैबिट से उत्पत्ति हैबिट की हुई है। फिर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आप जानते हैं रुचि, ठीक है ना। तो ये जो इंटरेस्ट शब्द है ये बना है इंटरेस्ट से मिलकर, किससे? इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट से बना हुआ है इंटरेस्ट शब्द और ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। अब देखो इंटरेस्ट यहां रुचि वाला नहीं है, इसका मतलब होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अंतर करना, किसी भी दो चीजों में अंतर करना, है ना। तो इंटरेस्ट का मतलब मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या माना जाएगा? अंतर करना, या फिर यह संबंधित है ना। ये इसका अर्थ बता रहा हूं कि इंटरेस्ट का क्या है, यह संबंधित है, वो किसी संबंधित हो सकता है। अपन कहते हैं ना किसी चीज से कि ये इस चीज से संबंधित है, तो वहां इंटरेस्ट शब्द का काम में लेंगे अपन, प्रयोग करेंगे। तो इंटरेस्ट जो है बना है इंटरेस्ट से और ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अंतर करना या यह संबंधित है, ठीक। तो ये सवाल देखो आ सकता है टिपिकली थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। अगला हम देखेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? अपन लेते हैं मोटिवेट करो, प्रेरित करो, है ना, प्रेरित करो। तो लेकिन ये भी गलत है, मोटिवेशन शब्द इंग्लिश का हो सकता है सही हो, लेकिन अपने मनोविज्ञान देख रहे हैं तो मोटिवेशन शब्द बना है, इसकी उत्पत्ति हुई है मोटम, है ना, किस शब्द से हुई है? मोटम से। फिर ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है, ठीक है ना। तो मोटम जो, मोटिवेशन जो है, मोटम सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है टू मूव, है ना, यानी कि उसको चालू करो आप, और या फिर उसका मोशन है, इसको हिलाना। तो मोटिवेशन का मतलब होता है टू मूव या मोशन, ये दोनों एज इट इज रटने हैं अपने को। तो ये आपको हर चीज का देखो यहाँ अलग अर्थ निकला है, जो भी अपन समझते हैं वो अर्थ यहाँ नहीं है, इसलिए टेबल बनानी पड़ी। टेबल आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां देख लेना, आपको बहुत स्पष्ट टेबल मिल जाएगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं। तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।